नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको विदित ही होगा कि 31 दिसंबर एम्प्लॉयर के की लास्ट डेट थी सभी एप्लीकेशंस को वैलिडेट करने की। लगभग 5 लाख एप्लीकेशन पिछले 3 महीने से एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हैं और उम्मीद तो हम सब लोगों को ये थी कि शायद उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि बहुत कंपनियों ने बहुत से लोगों के एप्लीकेशंस फॉरवर्ड नहीं किए हैं और ऐसे लोगों के मैसेज हमारे पास भी आ रहे हैं। लोग फोन करके भी बता रहे हैं, वीडियो डाल के भी बता रहे हैं और जिस भी माध्यम से बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ ने गाइडलाइन जारी की थी और ईपीएफओ जब भी कोई गाइडलाइन जारी करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद करता है, इसीलिए वो गाइडलाइन सभी संस्थान जितने भी हमारे हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स लगभग 7 लाख से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो ईपीएफओ के मेंबर हैं और उन सभी पर ये इंस्ट्रक्शन लागू होती हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उस समय इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के लिए क्या कहा गया था, 29 दिसंबर 2022 आपको याद होगा, 4 नवंबर 2022 को ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसके बाद ये लिखते हैं, द अबव मैटर वाज रेफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इश्यूइंग डायरेक्शंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड लेटर डेटेड 22 दिसंबर 2022 हैज डायरेक्टेड दैट रिक्विसाइट एक्शन मे बी टेकन बाय ईपीएफओ टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन द पैरा 44(9) ऑफ जजमेंट डेटेड 4/11/2022। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईपीएफओ को यह डायरेक्शन दे दी थी कि आपको यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू करना है और इसमें कहीं भी कोई भी इफ एंड बट नहीं थे जैसा कि आज की डेट में किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस डायरेक्शन को आपको लागू करना है और उस डायरेक्शन में जो फॉर्मूला है वो भी स्पष्ट है, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो स्पष्ट है कि आपको कैसे करना है। लेकिन अभी आज विषय ये नहीं है, ना ही इस आज की डेट में हम प्रोरेटा पे बात करेंगे ना फॉर्मूले पे बात करेंगे। आज विषय ये है कि आखिर कुछ एम्प्लॉयर्स एप्लीकेशन वैलिडेट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक तो रीजन हो सकता है उनके पास रिकॉर्ड ना हो, लेकिन यदि रिकॉर्ड उनके पास नहीं है तब भी आपने जो रिकॉर्ड ईपीएफओ को ऑलरेडी भेजा हुआ है, पेंशन फंड में जो पैसा कटा है वो रिकॉर्ड है अपने आप में और उससे ईपीएफओ अपने आप में कैलकुलेट कर सकता है कि इनको कितना डिफरेंस और देना है, उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है, कुछ एम्प्लॉयर्स ने जब पेंशनर्स ने उनको अप्रोच किया है तो उन्होंने ये बोल दिया है कि हमारे पास ईपीएफओ की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम आपका फॉर्म वैलिडेट करें। यह कितनी बड़ी बात है, जबकि ईपीएफओ ने अपने रीजनल ऑफिसेस को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पहले से ही और रीजनल ऑफिसेस जो फील्ड ऑफिसेस होते हैं, जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उन एस्टेब्लिशमेंट्स को बाकायदा इंफॉर्मेशन जाती है ईपीएफओ की तरफ से, उस रीजनल ऑफिस की तरफ से कि आपको ये करना है और वो गया होगा। ऐसा नहीं माना जा सकता कि ना गया हो। ईपीएफओ किसी एक एस्टेब्लिशमेंट को तो ये कहेगा नहीं कि आप ये फॉर्म वैलिडेट कर दीजिए, ईपीएफओ सिर्फ कॉमन इंस्ट्रक्शन जारी करेगा और फिर कॉमन इंस्ट्रक्शन जारी करने के बाद उस एस्टेब्लिशमेंट की, उस एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी है कि जो पेंशनर्स ने जॉइंट ऑप्शन भरे हैं उनको वो वैलिडेट करें अपने आप। यदि ऐसा नहीं होता है
तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अब ये फोन करके बोल रहे हैं कि भाई हमारे फॉर्म नहीं किया है इन्होंने। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप खुद अप्रोच करें अपने एम्प्लॉयर को और उन्हें कहें कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है आप उससे बैक कैलकुलेशन करके उनकी लगभग बेसिक, यदि बेसिक में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, पेंशन में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा करा सकते हैं। लेकिन यदि वो करना ही नहीं चाहते, फिर आपके पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ईपीएफओ को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, या यदि दे भी रहा है तो वो नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि हम आज की डेट में जितना भी देख रहे हैं अदरवाइज पेंशन बहुत पहले लागू हो चुकी होती। इसमें मैं, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन जारी की थी इसके पैरा 6 को बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि वो पेंशनर्स जिनके फॉर्म अभी वैलिडेट नहीं हुए हैं या जो एम्प्लॉयर ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इस सर्कुलर को 29/12 वाला जो सर्कुलर है उसकी इंस्ट्रक्शन 6 पे स्पष्ट लिखा हुआ है, फॉलोइंग पेंशनर्स में अप्लाई डिजिटली और ऑनलाइन एट इसकी बीईपीएफओ की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ये 2-3 कंडीशन दी हुई हैं कि कौन कौन लोग एंटाइटल हैं। जो लोग एंटाइटल हैं वो लोग जॉइंट ऑप्शन भर सकते हैं, और जॉइंट ऑप्शन भरने के बाद जॉइंट ऑप्शन को वैलिडेट करना है एम्प्लॉयर को, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा करें। अच्छा, यदि वो नहीं करते हैं ऐसा तो आपके पास क्या चारा बचता है, अब मैं उस पर आता हूं। और उसके लिए आपको सिर्फ यह करना चाहिए कि देखिए, और डायरेक्शंस पे बात करते हैं कि ये जो 11 में दीज डायरेक्शंस आर इश्यूड इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 4/11/2022 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फॉर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इंस्ट्रक्शन के बाद ही ये जारी की गई हैं, एंड ये सीपीएफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का भी अप्रूवल है इसमें। यानी प्रत्येक संस्थान के ऊपर ये सर्कुलर लागू होता है। अब यदि आपका एम्प्लॉयर, कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर यदि कोई नहीं कर रहा है इसको, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिंपल एप्लीकेशन उनको लिखें कि यदि आप हमारी एप्लीकेशन फॉर वैलिडेट नहीं करेंगे तो हमें कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और उसका इंतजार कर लीजिए 15 दिन। या फिर दूसरा तरीका यह है, यदि किसी संस्थान में आप 5-10 लोग हैं तो वो 5-10 लोग किसी एडवोकेट को हायर कीजिए, और एडवोकेट की तरफ से ये सारे सर्कुलर उनको बता दीजिए, दिखा दीजिए, उनको दे दीजिए सर्कुलर प्रिंट आउट निकाल के, उनको दे दीजिए। ये वेबसाइट पे सारे सर्कुलर अवेलेबल हैं, और उसके बाद एडवोकेट से एक लीगल नोटिस अपने एम्प्लॉयर को दिलवाइए। वो एम्प्लॉयर लीगल नोटिस मिलने के बाद यदि 15 दिन के अंदर आपके फॉर्म वैलिडेट नहीं करता है तो फिर आप उसको कोर्ट में जा सकते हैं। फिर आप ये उन्हें ये कह सकते हैं कि यदि आपने 15 दिन के अंदर हमारा ये काम नहीं किया तो हमें कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जिसकी जिम्मेदारी, उसमें लिख दीजिए स्पष्ट, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी एम्प्लॉयर की होगी, यानी एम्प्लॉयर को कॉस्ट भी देना पड़ेगी और वो भरना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर वो कंटेम्प्ट कोर्ट भी बनता है। तो इस तरह आप अपना ये काम करा सकते हैं। और पहली बात तो यह है कि ऐसे एम्प्लॉयर जो मना कर रहे हैं वो उनसे पूछिए, बैठ के पूछिए कि आखिर क्यों आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, आपके पास क्या रीजन है उसको ना करने का। तो इस तरह आप जो है उनसे पहले रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, यदि वो रिक्वेस्ट से ना माने तो फिर आप खुद एक एप्लीकेशन देके देख लीजिए। यदि वो एप्लीकेशन से, आपकी एप्लीकेशन से भी ना माने, 15 दिन इंतजार कर लीजिए, और यदि 15 दिन इंतजार करने के बाद भी वो आपको आपका फॉर्म वैलिडेट ना करें तो फिर आप लीगल नोटिस उन्हें वकील के थ्रू दिलवा सकते हैं, और उस लीगल नोटिस में स्पष्ट कह सकते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो हमें कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस तरह आप, यही आज की डेट में आपके पास ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास में, क्योंकि गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट किसी एस्टेब्लिशमेंट को ये इंस्ट्रक्शन देगी कि आप ये करें, ये एस्टेब्लिशमेंट की स्वयं जिम्मेदारी है इस इंस्ट्रक्शन के आने के बाद, इन सर्कुलर्स के आने के बाद।
तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको आज की डेट में क्या करना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।